नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम का टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉलिड वर्क में स्केच ड्रिवन पैटर्न के बारे में सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं एक स्केच ले लूंगा। यहाँ पे हमने मॉडल तो रेडी ही रखा है, यहाँ पे जाके इस फेस पे हम कुछ पॉइंट्स के स्केच ले लेंगे। तो चलिए मैं स्केच ले लेता हूँ। तो देखिए हमने पॉइंट्स ले लिया है, अभी हम एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट होने के बाद से हम फिर से इस फेस पे एक स्केच कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से और एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट होने के बाद से हम इसे एक्सट्रूड कट से यहाँ पे एक्सट्रूड कट कर देंगे। देन अभी हम आ जाएंगे अपने स्केच ड्रिवन पैटर्न में। तो देखिए स्केच ड्रिवन पैटर्न में आते हैं। देखिए आपके लेफ्ट साइड में स्केच ड्रिवन पैटर्न का एक टेबल खुल चुका है, जिसमें फर्स्ट हमें दिया हुआ है ऑप्शन सेलेक्शन। सेलेक्शन में हमारे पास दिया हुआ है रेफरेंस पॉइंट्स, सेंट्रोइड, सेलेक्टेड पॉइंट्स। देन उसके बाद से दिया हुआ है हमारे पास फीचर एंड फेसेस। देन हमारे पास बॉडी दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जाके हम अपना जो स्केच था पॉइंट्स वाला उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और फीचर में जाके हम अपना जो फीचर लास्ट फीचर किया था हमने उसे सेलेक्ट कर लेंगे, जिसे हमें पैटर्न करना है। देन यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो देखिए ये जो हमारा फीचर है वो पैटर्न हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने सॉलिड वर्क में स्केच ड्रिवन पैटर्न का यूज कैसे करते हैं सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।